गाइस मैं यहाँ से अपना क्रॉफर्ड मार्केट से गुजर ही रहा था, तो मैं यहाँ पे आया था चकला स्ट्रीट में, तो मुझे भाई की शॉप दिखी। तो आइए भाई से पता करते हैं, रेफरेंस लेते हैं यहाँ की शॉप का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? और भाई आपकी शॉप का रेफरेंस दीजिए ज़रा मेरे को। भाई हम लोग की शॉप है ना स्पिनर साइकिल नाम है, जो चकला स्ट्रीट पे है। ये आती है नियर क्रॉफर्ड मार्केट। सो ये यहाँ का बहुत फेमस एरिया है फॉर होलसेल मार्केट। सो आवर शॉप इज बेसिकली फॉर टॉयज एंड साइकिल, होलसेल एंड रिटेल बोथ। ठीक है। सो गाइस हम लोग के पास ना लार्ज वैरायटी में साइकिल्स है फॉर होलसेल्स। वी हैव ई स्कूटर्स, वी हैव पेट्रोल बाइक, डर्ट बाइक, टॉयज एंड एवरीथिंग। सो वी डू होलसेल एंड रिटेल बोथ। सो ये जो भाई है शॉप पे आए थे हमारे रेफरेंस लेने के लिए, तो इनको एक शूट करना है, तो आपको मैं जो वैरायटीज है आपको सब दिखा देता हूँ। ओके दिखाइए। ये सब वैरायटीज साइकिल्स में, दिस इज फॉर होलसेल इन डिटेल बोथ। सो दिस इज द 14 इंचेस, दिस इज 20 एंड दिस इज 16 एंड दिस इज ऑल दिस माउंटेन बाइक एंड ऑल। क्या बताओ आपके सर्विसेज? सो गाइस वी हैव वैरायटीज ऑफ साइकिल्स एंड टॉयज एंड ई स्कूटर्स। सो दिस इज द 12 इंच साइकिल, द साइज ऑफ दिस थिंग इज 12 इंचेस, दिस इज फॉर किड। सो ओके गाइस वी हैव लार्ज वैरायटीज ऑफ साइकिल्स ओवर हियर। दिस थिंग इज ना 12 इंचेस, ये 12 इंच की साइकिल है, ये बच्चों के लिए है। बच्चों की एज 3 to 4 ईयर्स, होल सेल एंड रिटेल बोथ। एंड दिस थिंग इज 20 इंच, 20 इंच की साइकिल है फॉर 5 to 10 ईयर्स और 10 प्लस ईयर्स। दिस थिंग इज फॉर 16 इंचेस, ये 16 इंच की साइकिल है, इसके लिए एज वेरिएशन है 5 to 10 ईयर्स के बीच में। एंड दिस थिंग इज 10 प्लस ईयर्स। एंड वी हैव ई स्कूटर्स फॉर 7 प्लस एजेस, ये पूरे मुंबई में कहाँ मांगनी है इसका ई स्कूटर का। सो दिस इज ओनली वन इन मुंबई राइट नाउ। और ये है डर्ट बाइक, ये पेट्रोल है, 4-stroke इंजन, ये लीगल पेट्रोल बाइक है। सो ये आपको बॉम्बे में बहुत कम जगह मिलेंगे, लेकिन ये क्वालिटी आपको कहाँ मिलने वाली नहीं है। फिर सेम में आती है बैटरी वाली डॉट बाइक, ये है, ये बैटरी ऑपरेटेड है। ओके ये इसकी स्पीड आई गेस अराउंड 35 KMP है कुछ है। तो भाई जैसे पूछना था पेट्रोल है कि चार्जेबल है? ये चार्जेबल है, इसमें पेट्रोल ये वाला है जिसकी स्पीड 40 है। तो ये वाला पेट्रोल है अपना, तो इसकी स्पीड क्या है भाई? इसकी स्पीड 40। स्पीड 40 है और ये लीगल है। ओके ओके, तो ये 40 का पेट्रोल इंजन है जिसमें पुलिस कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, नो लाइसेंस एंड नथिंग। ओके ओके, तो विदाउट लाइसेंस विदाउट हेलमेट भी अपन इसको चला सकते हैं? हाँ बिंदास, कोई इशू नहीं है। वैसे आप देख ही रहे हैं इसकी स्पीड लिमिट है 40 और इसको अपन विदाउट हेलमेट विदाउट लाइसेंस भी चला सकते हैं। और ये है पेट्रोल वाली। और इसके प्राइजेस क्या होंगे भाई? इसके प्राइजेस है ना, ये ऑनलाइन पे सेल होती है फॉर 35,000, हम लोग का होलसेल प्राइस है 27,000 लास्ट प्राइस। ओके, तो भाई ये ऑनलाइन 27,000 और भाई के पास आप लोग आओगे परचेस करोगे 25,000। तो 25,000 और भी बहुत सारी वैरायटीज है गाइस, मैं आपको पूरा शोरूम पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, पूरा स्पोर्ट्स बाइक वगैरह, तो जैसे कि मैं पूरा साइकिल का भी पूरा देने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहेगा मेरे चैनल पे गाइस। और हमारे पास प्राइम भी है अवेलेबल इन स्टॉक, प्राइम वगैरह, प्राइम भी है एंड फिर बेबी के और बहुत सारे आइटम है जो आपको पार्ट टू में देखने मिलेंगे। तो गाइज़ जैसे कि अभी हमने यहाँ का रिव्यू कवर किया और अभी हमको ये बाकी कवर करना, तो अभी हम फिलहाल यहाँ का रिव्यू दिखा देते हैं। तो भाई जो आप ये अपना, और ये भी है क्या, वो सेगवे है, और इसके बारे में कुछ रेफरेंस बताइए भाई। सर ये सेगवे है, ये इंपोर्टेड सेगवे है। ओके, इंपोर्ट करते हैं, इसका प्राइस आपका 6,500। ओके, ये इसका रिटेल प्राइस है, ये इसका रिटेल प्राइस है। इसका होलसेल के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ओके, और ये स्टॉक कहाँ भी मार्केट में है नहीं, सिर्फ हम लोग के पास इन हैंड स्टॉक है इसका। ठीक है, तो गाइस ये पूरा सेगवे के बारे में भाई ने पूरा रेफरेंस दे दिए हैं, तो आइए स्पोर्ट्स बाइक वगैरह इसके बारे में पता करते हैं अपन। तो भाई इसके बारे में कुछ बताइए, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह? सर स्पोर्ट बाइक का मॉडल है, ये न्यू मॉडल है जिसको बोलते हैं R7। ओके, ये वाला मॉडल R3 है। ठीक है, और ये लैम्बोर्गिनी मॉडल है ऑरेंज वाला, ये वाला ऑरेंज ना जी। इसका हम होलसेल एंड रिटेल सब हर चीज़ करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। ओके, और भाई जो बच्चों लोग टॉयज वगैरह इसके बारे में कुछ रेफरेंस बताओ? जो टॉयज है ये डैस्टा ब्रांड का है, एंड एक है ये वाला, दिस इज ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ये हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं हमारी वेबसाइट पर। और भाई ये बहुत यूनिक लग रहा है मेरे को, इसके बारे में कुछ बताइएगा? ये एस्ट्रोनॉट बाइक है, इसका प्राइस आपको आएगा 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़, तो क्या मतलब ये चार्जेबल है? चार्जेबल है, 6 वोल्ट की बैटरी आती है, विद 6 वोल्ट बैटरी एंड मोटर।
चार्जेबल है। तो भाई ये जितने भी टॉयज है नीचे जो लाइन से लगे हैं सब चार्जेबल है? एवरीथिंग इज चार्जेबल, एवरीथिंग इज चार्जेबल ना। और ये सब जो ये भी पूरा चार्जेबल ही है मतलब समझो? यस, ये पूरा सेक्शन टॉयज का है, सब चार्जेबल टॉयज है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई ये इसका कुछ बताइए ना मेरे को स्पोर्ट्स बाइक के बारे में। स्पोर्ट्स बाइक है ये, आप पाएंगे 8500 रिटेल प्राइस। ओके, तो इसको निकाल के एक बार दिखाइए ना भाई। तो गाइस जैसे कि अभी हमने ये पोर्शन पूरा रिव्यू दिखाई है और अभी ये स्पोर्ट्स बाइक का रिव्यू दिखाते हैं भाई, इसके बारे में बताइएगा स्पोर्ट्स बाइक। ये 12 वॉट चार्जेबल वैन बाइक है। ओके, इसकी स्पीड अराउंड 10 किलोमीटर है मैक्सिमम स्पीड। ये आपको आएंगे 8500 रिटेल प्राइस। तो भाई ये क्या एज के बच्चे लोग मतलब यूज कर सकते हैं? एज 5 इयर्स एंड प्लस, 5 इयर्स के बीच में, 5 to 10 इयर्स के बच्चे यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके पोर्शन लगे हुए हैं पूरा, तो क्या एज के मतलब 5 to 10 इयर्स है? ये 2+ इयर्स है, 2+ इयर्स है, ये 3+ इयर्स है। ओके, जो नीचे वाले हैं जो 3+ इयर्स है, मैक्सिमम कितना केजी मतलब इसमें बैठ सकते हैं? इट टेक्स अराउंड 60 केजी। 60 केजी मैक्सिमम, कोई भी जो बाइक है उसमें कोई भी 60 केजी तक का बैठ सकते हैं इसीलिए। और जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक के बारे में आपने बताया, बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है मेरे को। ये ना लेटेस्ट मॉडल आया, ये न्यू मॉडल है, मार्केट में आपको हर जगह अला मॉडल मिलेगा। ओके, इसका हम होलसेल एंड रिटेल दोनों करते हैं। ओके, तो इसका प्राइस क्या है भाई इसके बारे में? आपको आएंगे 8500 में। ठीक है, तो गाइस अभी ऑन करके देखते हैं बाइक, इसकी लाइट वगैरह भी कुछ है स्टार्टिंग लाइट? यस, डीआरएल यहाँ दिए नीचे। तो गाइस ये देख सकते हैं नीचे लाइट दी है, इसकी पूरी रिव्यू दिखा रहा हूँ आपको। जैसे एक शार्क होती है उसकी ऐसा लुक है, देख ही सकते हैं गाइस। जैसे कि भाई ने प्राइस बताया था 8500 एंड ये है पुलिस बाइक। ओके, जी तो इसके बारे में क्या बोलना है भाई, इसका रेफरेंस वगैरह? ये एक इंडियन बाइक है। ओके, आपको आएंगे अराउंड 7000 की। अराउंड 7000, सेम मोटर है हर चीज़ है, लेकिन बाइक ये बाइक पूरी इंडिया में बनी है। ठीक है, ये मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। और मुझे ये भी बहुत यूनिक लगा भाई, R3, ये जो अपग्रेड वर्जन है ना इसका पुराना? ये है ओल्ड वर्जन एंड ये है इसका न्यू वर्जन। अच्छा, ये जो अपग्रेड वर्जन आया है वो ये है और जो ओल्ड वर्जन ये है अपना, इसका कलर जो कलर है थोड़ा फेडेड है। ओके, पेंटेड नहीं है, ये रेड पेंटेड कलर है, ये मेटालिक पेंट है, मेटालिक पेंट। मार्केट में आई गेस अराउंड कुछ 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है। ओके, भाई सब देख ही सकते हैं लाइन से कितने अच्छे अच्छे कलर्स है भाई के पास, कितनी यूनिक वराइटीज है। एंड ये रिपेयरेबल है, हर जगह रिपेयर हो जाती है, वारंटी है, कुछ चाहेंगे नहीं, नो वारंटी नो वारंटी है। ओके, लेकिन ये बाइक हर चीज़ हर जगह आपको इसके पार्ट हमारे पास हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं है भाई? वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं है इसका। नॉर्मली इसका से बैटरी ख़राब होता है जो एक साल उसकी बैटरी का खर्चा आता है बस, वो भी बहुत लो मेंटेनेंस है, वो आपको कुछ अराउंड 1500 में आपकी जो बैटरी कोई आ जाएगी। ओके, तो इसका खाली बैटरी का अगर ऐसे कुछ होता है इशू तो आप लोग बैटरी का? जी, हम लोग के पास एक कार्ड है जी, हमारा एक बंदा है वो आपके घर पर आके जो भी चार्ज होगा आपको बोल देना और वो पूरी चीज़ चेक करके जो भी इसका सर्विस चार्ज 400 रुपये होता है, 200 रुपीज़ वन टाइम का, तो वो आके आपकी बाइक चेक कर लेंगे, आपके बाइक सर्विस कर लेंगे। ठीक है, तो भाई जितने भी बाइक्स जो मैं यहाँ देख रहा हूँ उसकी वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं मतलब समझो, बैटरी की खाली वारंटी दी गई है इसकी? बैटरी की वारंटी नहीं सर, बैटरी वारंटी गारंटी, लेकिन बैटरी इसकी बन जाती है वैसे। ओके, अच्छा बैटरी इसकी बन जाती है, बाकी तो ये जितने भी गाइस आप देख रहे हैं टॉयज़ वगैरह इसकी कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं आती है, जो रिपेयरेबल होता है वही हो पाता है इसका। जैसे कि भाई ने बैटरी के बारे में बताया कि बैटरी रिपेयरेबल हो जाएगी अगर बैटरी में कोई इशू आएगा तो। और भाई इसके बारे में आप बताइए, जीप वगैरह जो है? जीप्स है, ये है 12 वॉट्स, ये जो जीप है ये 4x4 है, 4x4, यस 4x4। ठीक है, ये बीएम वेरिएंट है एंड ये इसका एक मर्सिडीज वेरिएंट है। ओके, तो इसको एक बार दिखाइएगा भाई हमारे अपना सब्सक्राइबर्स को। तो गाइस जैसे कि अभी हमने ये पोर्शन पूरा कवर किया है, ये पूरा पोर्शन मैंने आपको रेफरेंस दिया हूँ आप सभी लोग को इसके बारे में, तो मेरे को बहुत ही यूनिक ये भी लगी, तो भाई इसके बारे में कुछ आप बताइएगा। ये एक BMW जीप है, BMW, यस। ओके, 12 वॉट की बैटरी इसमें आएंगी विद 4 मोटर्स, मार्केट में आपको मिलेंगी 4x2 विद 2 मोटर्स। ओके, पावर इतना नहीं है इसके अंदर, 4 मोटर्स है यानी कि ये 4 व्हील ड्राइव है। ओके, यहाँ भी आगे भी मोटर है इसमें और पीछे भी मोटर है। ओके, तो ये मार्केट में वाला मॉडल बहुत कम है एंड ये विद लाइटिंग एंड ऑल दिस स्टफ है। और इसके भाई बैटरी का रेफरेंस बताइए कुछ, ये बैटरी 2 आवर्स ना चार्ज करने पे मैक्सिमम 1 आवर चलती है कंटिन्यूसली। ओके, चार्जेबल जो है 2 आवर्स मैक्सिमम चलती है, और इसका चार्जिंग कितना घंटा करना पड़ता है? इसमें चार्जिंग 2 आवर्स करना पड़ता है। ओके, इसमें से ये 1 आवर चलती है, 1 या 1.5 मैक्सिमम चलती है। तो गाइस जैसे कि अगर आप 2 घंटा भी इसको चार्ज करते हैं तो मैक्सिमम 1.5 घंटा आप यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को, इसका चार्जिंग का मैं आपको पूरा बता दिया हूँ।
जैसे कि इसका प्राइसिंग क्या होगा भाई? अब प्राइसिंग ये आपको आएंगी 9500 में। और इसकी वारंटी वगैरह कुछ है भाई इसकी? सर नो वारंटी, नो गारंटी। ओके सर, अगर आपको वारंटी में चाहिए तो फिर आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा वेबसाइट्स पे, जिसका प्राइस एकदम डबल होता है, यानी कि मैं ये सेल कर रहा हूँ 9000 में। ओके तो वो कंपनी आपको सेल करेंगी 20000 में। ओके ओके, सो उतना बड़ा प्राइस गैप रहता है। और वही रेंज में आप उसको सही भी कर सकते हो, और आप वही रेंज में आप दो चीज़ ले सकते हो। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर। और जैसे कि भाई इसमें वेट कैरी कितना कर सकते हैं, मतलब जैसे कितने वेट कैरी करेंगे? मैक्सिमम 30 kg। 30 kg, क्या एज के क्या एज तक बैठ सकते हैं इसमें? इसमें एज ग्रुप है प्लस 3 years से लेके मैक्सिमम 12 years। मैक्सिमम 12 years, 3 years से लेके गाइस मैक्सिमम 12 years तक के बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। और वेट जो है 30 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि जो बच्चे 30 kg के होंगे वही बैठ सकते हैं। और इसका जो डोर्स वगैरह वो भी ओपन होते हैं भाई, वो भी ओपन करके दिखा देंगे हमको। गाइस आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी है ये कार, और इसकी बहुत यूनिक है, वैरायटी वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। और ये देख सकते हैं कि लाइट वगैरह भी, हेडलाइट वगैरह भी एकदम ओरिजिनल कार जैसी है ये, और मेरे को तो बहुत यूनिक लगी। और जैसे कि भाई जैसे पूछना था कि और भी ये सब कार्स है इसके बारे में कुछ बताइएगा, तो गाइस अभी हमने ये देखा तो अब हम इसके बारे में पता करते हैं जो एकदम लास्ट में रखी है। ये लास्ट वाला का ये कलर है, तो गाइस अभी हमने इसका रेफरेंस पता किया, तो हम पता करते हैं उसका लास्ट वाले का, उसका भी देख लेते हैं हम क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ, आप लोग बने रहेगा मेरे ब्लॉग में गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी इसका रिव्यू बताया और इसका रिव्यू बताया, तो मुझे अब इसका रिव्यू बताना है, मुझे बहुत ही यूनिक लगी। तो भाई इसके बारे में बताइएगा कुछ, इसका रेफरेंस क्या है? ये एक सेडान कार है, मर्सिडीज एएमजी की कॉपी में वेरिएंट है। सेडान कार, यस, मर्सिडीज एएमजी का जो मॉडल है। ओके उसमें सेम मॉडल लेकिन उसका एक मिनी वर्जन टाइप है। ओके भाई, तो गाइस ये बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, बहुत यूनिक लगी। तो मैं आपको इसके डोर्स भी ओपन करके दिखाता हूँ, उसके डोर्स वगैरह भी ओपन होते हैं। तो भाई इसकी चार्जेबल क्या रहेगा, इसका बैटरी वगैरह? सर इसका भी सेम चार्ज है, आप उसको टू आवर्स चार्ज करो, ये 1.5 hours चलती है मैक्सिमम। तो गाइस जैसे कि भाई ने बताया, अगर आप 2 hours चार्ज करते हो तो मैक्सिमम 1.5 घंटा चलना है गाड़ी को। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छी है। और भाई इसका वेट कैरी कितना होगा? इसका वेट कैरी 25 kg मैक्सिमम। 25 kg, और क्या एज के ग्रुप बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं? 1 से लेके 8 years तक मैक्सिमम। तो गाइस आप देखिए ना, 1 से लेके 8 years तक बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। और इसमें वेट कैरी क्या बताया आपने भाई? 25 kg। 4 colors है आपको, okay. हर जीप में 3 to 4 colors देखने मिल जाएंगे। तो गाइस आप देख ही रहे, बहुत यूनिक लगी मेरे को, बहुत अच्छी लगी, कलर्स भी बहुत प्यारा है इसका। तो आप देख ही सकते हैं, मैं इसको आपको एक बार पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ। जैसे छोटे बच्चे लोग के लिए है, 30 kg के बच्चे जो होते हैं उन लोग के लिए है पूरी। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको इसका रिव्यू बताया, पूरा इसका रिव्यू बताया, तो मैं आपको अभी इसका बताने आ रहा हूँ लास्ट। तो भाई इसके बारे में भी बता दीजिए आप। ये एक 4x4 जीप है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी इसका पूरा रिव्यू बताया था, और अभी इसका भी मुझे बताना है आपको, तो फिलहाल अभी हम इसका जानते हैं। तो भाई इसके बारे में बताइएगा आप। और सर ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक जीप है। ओके ये इसका प्राइस आपको आएगा 12000, ये भी 4x4 है। ओके फोर व्हील ड्राइव, ठीक है। तो भाई इसमें कितने एज के बच्चे लोग वगैरह यूज़ कर सकते हैं? प्लस 7 से लेकर 12 तक का। यस तो गाइस इसमें देख रहे हैं भाई, बता रहे हैं कि 7 से लेकर 12 years तक बच्चे कैरी हो सकते हैं इसमें और यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी इसमें बैटरी का प्रॉब्लम, बैटरी है नहीं, तो मैं आपको ना फिर पूरा चालू करके दिखाता। तो भाई इसके डोर्स वगैरह ओपन करके दिखा दीजिए एक बार। तो गाइस देखिए बहुत ही यूनिक है, डोर्स ओपन होते हैं अपना, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आई होप गाइस आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए ना कितना यूनिक है ये बनाया गया। और जैसे कि मुझे पूछना था भाई, जो अभी रेट चल रहा है इसका, तो इसमें डिस्काउंट वगैरह आपके पास अवेलेबल है? अगर आप ही कस्टमर जाएंगे तो हम उनको बेस्ट डिस्काउंट देते रहेंगे। और जैसे कि मुझे पूछना था भाई, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है जो यहाँ विजिट करते हैं, तो उनके लिए डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट ऑफर उनके लिए मोर देन 15% डिस्काउंट मैं करके देता हूँ। तो भाई जैसे कि भाई ने बताया, अगर आप लोग यहाँ विजिट करते हो, आते हो मेरे सब्सक्राइबर्स, तो उनके लिए भाई ने मोर देन 15% डिस्काउंट ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आप लोग भी आओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी यहाँ की चीज़ें, बहुत ही यूनिक लगी। अब आइए पता करते हैं इसका। और भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15% मोर थोड़ा सा भाई कर देंगे डिस्काउंट आप लोग के लिए, आप लोग आओ विज़िट करो। तो अभी आप ये पोर्शन अपना कवर करते हैं। ये है हमारा फैट बाइक का सेक्शन है जी भाई, इसके बारे में कुछ बताइएगा साइकिल्स के बारे में। फैट बाइक का सेक्शन है। ओके ये 21 gears है इसमें, एंड डुअल डिस्क सस्पेंशन। ये फायर ट्रैक साइकिल्स है, ये हमारा खुद का ब्रांड है। ओके ये फायर ट्रैक का ओन मैन्युफैक्चरिंग है। इसका प्राइस आपको आएगा 12500। ये इस पर अगर आप ही कोई कस्टमर आते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 15%।
तो जैसे ही गाइस आप लोग अगर विजिट करते हो, अगर ये फैट बाइक साइकिल्स अगर आप परचेस करते हो तो आप लोगों को 15% डिस्काउंट भाई ने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो और भी मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाने वाला हूँ, अपने बने रहेगा मेरे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो भाई ओके, ये भी आपका ही ब्रांड है फायर ट्रैक्स। तो इसका क्या प्राइस वगैरह होगा भाई? आपको आएगा 10,000 में। ओके, और ये जो बच्चे लोग के ये साइकिल्स, इसका क्या प्राइस वगैरह? स्टार्टिंग एज हमारे पास है 3,500 से। अच्छा, ये क्या एज ग्रुप के बच्चे यूज कर सकते हैं इसमें? एज ग्रुप 5+ इयर्स। 5+ इयर्स है। तो गाइस आप देख ही रहे, 5+ इयर्स के एज ग्रुप बच्चे यूज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाने वाला, आप लोग बने रहेगा मेरे चैनल पर गाइस। और भी बताइए भाई रिव्यूज वगैरह इसके, ये सब जो है पतले टायर की, इसके क्या बता रहे हैं आप? ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है 5,000 है। yes. इसमें नॉन गियर है ये भी? यस, नॉन गियर से भी पावर ब्रेक्स। अपना शॉक ऑफ वगैरह सब है इसमें? हाँ नहीं, वो आपको दूसरे मॉडल में मिलेंगे। दूसरे इसका स्टार्टिंग प्राइस को 7,000 से रहेंगे। 7,000 स्टार्टिंग। ओके, तो जो गाइज आप देख ही रहे कि भाई ने अपना रिव्यू बता दिया, अगर आप लोग यहाँ विजिट करोगे तो ऑलरेडी भाई 15% डिस्काउंट, आप कुछ भी परचेस करेंगे तो भाई 15% डिस्काउंट है। और भाई जैसे कि ये बच्चे लोग की कार्स वगैरह, इसका भी कुछ बताइए भाई। ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है, ये इसका लोएस्ट प्राइस 6,500 लोएस्ट प्राइस है। ये विंटेज कार है। ओके, बहुत ही यूनिक है गाइस, मेरे को तो बहुत अच्छा लगे विंटेज कार, आप देख ही सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए भाई। सर ये आप कहेंगे 7,500 प्लस डिस्काउंट 15%। तो गाइस आप देखिए ना, और ये बच्चे लोग जो बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी है, तो भाई इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये हमारा प्राइम का स्टॉक है, ये हमारा होलसेल एंड रिटेल दोनों है। ओके, इसके क्या प्राइस वगैरह होंगे भाई? इसका आपको आएगा ये 4,500। मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। ओके, और भाई ये जो बच्चे लोग की है, छोटे बच्चे लोग की बॉर्न बेबी, ये सब ट्विस्टर, ये हमारी वेबसाइट आपको ये हर जगह मिल जाएंगी वेबसाइट। ठीक है, तो इसके क्या प्राइजेस है वगैरह भाई? इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको आएगा 1,500 से। अच्छा, और ये जो क्या एज के ग्रुप बच्चे लोग इसमें यूज कर सकते हैं? प्लस वन ईयर्स। ओके, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पूरा रिव्यू दिखाया हूँ भाई की शॉप का पूरा, और ये रिव्यू भी मैंने पूरा कवर किया। और ये जो भाई जो बच्चे लोग की, इसका क्या प्राइस है? ये आपको आएंगे 3,800। 3,800। और ये क्या एज के ग्रुप के बच्चे लोग यूज़ कर सकते हैं? प्लस फोर टू फाइव ईयर्स। तो गाइज आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ है भाई के पास, बहुत यूनिक वैरायटीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको पूरा वहाँ से पूरा कवर किया हूँ, एक बार मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ। लास्ट ऑप्शन अपना वो रह गया स्कूटर, तो मैं आपको पूरा वो दिखाता हूँ, आप लोग बने रहेगा मेरे चैनल पर गाइज। हमने साइकिल का पोर्शन पूरा कवर किया है, ये पोर्शन भी हो गया, खाली ये रह गया और पीछे का बैक साइड का एरिया रह गया अपना, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी पता करते हैं इसके बारे में बताइए भाई कुछ। सर ये +2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, ये 2 ईयर्स के बच्चे के लिए अपडेटेड बाइक है, स्मॉल मिनी बाइक। तो भाई इसमें लाइट वगैरह स्टार्ट वगैरह करके दिखाइएगा, चालू करके लाइट। ओहो, क्या बात है गाइस, देख ही सकते हैं आप कितनी यूनिक लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरे को, तो बहुत ही खूबसूरत बाइक है। और 2 साल के बच्चे लोग के लिए है ये? यस राइट। तो भाई उसके ऊपर के मतलब लास्ट से लास्ट कितना एज ग्रुप मतलब बच्चे लोग बैठ सकते हैं इसमें? उसमें जाता है मैक्सिमम 7 to 6 ईयर्स। 7 to 6 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स गाइस बच्चे बैठ सकते हैं। मैक्सिमम कितना केजीज के बच्चे बैठ सकते हैं भाई इसमें? 20 केजी मैक्सिमम। तो गाइस आप देख ही रहे, बहुत यूनिक लगी मेरे को, तो बहुत ही अच्छी है। और भाई इसका प्राइसेस वगैरह एक बार वापस से आप बता दीजिए। ये आपको आएंगी 4,500 से का स्टार्टिंग, 4,500 ये इसके बिटवीन में मेरे पास सारे मॉडल्स हैं, ये है, ये सब वही रेंज के बिटवीन के मॉडल हैं। ओके, तो भाई जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ये रेंज के पूरे प्राइस वगैरह इसका बताया हूँ। और भी मैं जो पूरी रिव्यू है मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस के साथ दे दूँगा उसका रिव्यू वगैरह पूरा। और जैसे कि भाई ने अभी ये बताया अपने को, तो अभी पता करते हैं ये लास्ट और फिर बाजू वाला सेक्शन एक बार कवर कर लेते हैं। तो भाई इसके बारे में आप बताना अभी मेरे को फिर, तो भाई इसके बारे में कुछ आप बताइएगा बच्चों लोग का। जी हमारा प्राइम का सेक्शन है, इंशाल्लाह का, इसमें हमारा होलसेल एंड रिटेल दोनों है। ये आपको मिक्स वैरायटी मिलेंगी 4,500 फ्लैट, और आपके जो सब्सक्राइबर्स आएंगे उसमें आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिफरेंट, यानी 4,500 -15% ऑफ। तो भाई जैसे कि भाई ने बताया बॉर्न बेबी के लिए है, और ये 4 से 5,000, यस 4,000 से लेके 4,500 के बीच में आपको आएगा। ओके, ये इम्पोर्टेड स्ट्रॉलर है, अच्छी क्वालिटी का, इंडियन नहीं है सर, इंडियन की क्वालिटी बहुत बकवास होती है, ये इम्पोर्टेड है। सो इसमें होलसेल एंड रिटेल दोनों है मेरे पास। बारिश हो तो गाइस जैसे कि 400 to 500 के प्राइस में ही आपको आएगा। और भाई जैसे बताया था आप लोग आते हो तो यहाँ पे भाई 15% डिस्काउंट ऑलरेडी आपको दे ही रहे हैं, तो भाई इसके बारे में कुछ बताइए। डॉल्फिन जो कार है, डॉल्फिन हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसमें हमारा होलसेल ज़्यादा जाता है। ओके, ये आपको देखने मिलेगा 1,800 का। 1,800, ओके।
तो ये अपना क्या एज ग्रुप के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं? प्लस वन ईयर से लेके फाइव ईयर्स मैक्सिमम, प्लस वन ईयर से लेके मैक्सिमम फाइव ईयर्स, मैक्सिमम फाइव ईयर्स, ठीक है। और ये तो आप गाइस देख ही रहे, जो बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए चलने वाला है, वॉकर है, जैसे कि बहुत ही यूनिक है। और इसमें क्या चीज़ है भाई, ये लाइट वगैरह है कि क्या है? लाइट म्यूजिक एंड थोड़ा प्लेइंग स्टफ है। ओके, आपको आएगा 1800 सेम प्राइस। ओके, तो गाइस बहुत ही यूनिक लगा मुझे तो। और यहाँ पे कार्स वगैरह भी है, और जो डॉल्फिन का तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। तो आइए यहाँ का एक बार कवर कर लेते हैं लास्ट अपना। और भाई ये भी अब क्या बता रहे इसके बारे में? ट्राइसाइकल सेक्शन है, ट्राइसाइकल, ये भी बहुत है होलसेल रिटेल दोनों। ये आप क्या बता रहे थे बताइए? ट्राइसाइकल सेक्शन है, ट्राइसाइकल सेक्शन है, ये ठीक है। इसमें ए शुरू लगता है प्लस वन ईयर से लेकर मैक्सिमम फाइव ईयर्स। ओके, एंड इसका प्राइस आपको मिलेगा इन डिफरेंट मॉडल्स, यानी कि आप कैसा मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 1800, जो ये मॉडल है, ये भी इंडियन है, 1800। ओके, इसका स्टार्टिंग प्राइस है क्वालिटी, एंड इसका हाइयर प्राइस आपको जाएगा अराउंड 4500 मैक्सिमम, ठीक है, विद बेस्ट क्वालिटी। और जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर जो विजिट करेंगे तो उनके लिए तो ऑलरेडी भाई आपने 15% डिस्काउंट दे ही दिया, समझे 15% फ्लैट है वाइज। yes. आप देख ही रहे हैं कि 15% फ्लैट भाई ने दे ही दिए, कुछ भी आप यहाँ से परचेस कर दो आपको सब चीज़ में समझो 15% भाई ने दे ही दिए ऑलरेडी। और ये भी बच्चे लोग की जो है तो ये अपना कार्स वगैरह, ट्विस्टर वगैरह, ये क्या एज ग्रुप के बच्चे? बॉर्न बेबी है ये ट्राइसाइकल है, ये इसमें एज ग्रुप है 1+ ईयर्स, 1+ ईयर्स। यस, ओके, 1+ से लेके क्या इस तक अपना? ये अपना जाता है 4 to 5 ईयर्स मैक्सिमम, 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। और ये इसके बारे में कुछ बताइए भाई मेरे। ट्विस्टर है ये हमारा सिर्फ होलसेल शॉप है, ओनली होलसेल। इसके प्राइसेस वगैरह? ये आपको रिटेल में मिलेगा कुछ अराउंड 2000 to 2500 मैक्सिमम। ओके, लेकिन ये हमारा सिर्फ होलसेल का स्टॉक है। और गाइस ये भी देखिए लेटेस्ट आया, बहुत ही यूनिक है। और इसका भी प्राइस क्या है भाई इसका? इसका कुछ आएगा 1800, ठीक है। वैसे आप देख ही रहे हैं पूरा मैंने शॉप कवर कर ही दिया हूँ। और आप जहाँ से कुछ भी परचेस करते हो तो भाई आपको ऑलरेडी 15% डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स से? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आए आपके पास लेके आपके अरे नहीं होगा क्या मैं तो भाई क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहूँगा कि आप शॉप पे आओ, आपके लिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखे 15% ऑफ। ये ऑफर भाई के कहने पे था, वैसे हम किसको डिस्काउंट देते नहीं, हमारा फिक्स प्राइस है, लेकिन भाई के रिक्वेस्ट पे हमने आपको एक ऑफर दिया 15% ऑफ। आप शॉप पे आओ, एंड भाई बहुत बहुत बढ़िया आप आए, आप शॉप को दिखाए, भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और गाइस जैसे कि ये भाई तो इनकी शॉप है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूनिक है, आप लोग भी आओ विजिट करो। और एक बार भाई फाइनल अपना एड्रेस एक बार हमारे सब्सक्राइबर्स को बता। हमारी शॉप है ना चकला में है, शेरिफ देवजी स्ट्रीट, क्रीम अपार्टमेंट, नियर क्रॉफर्ड मार्केट, स्पिनर साइकिल नाम, एंड हमारा होलसेल एंड रिटेल दोनों है। हमारा काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, तो अगर आपको कोई चीज़ इम्पोर्ट करना है फ्रॉम चाइना तो हम वो भी कर देंगे। अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है जैसे परफ्यूम्स आता है एवरीथिंग, हम वो भी कर लेंगे, नो इश्यूज ऑन दैट। ओके भाई, जैसे कि भाई ने अपना पूरा एड्रेस बता दिया गाइस, आप लोग आओ विजिट करो भाई की शॉप पे। मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो बन चुका है। तो गाइस मैं मिलूँगा आप सभी लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ गाइस, अल्लाह हाफिज़। जैसे कि मैंने आपको अंदर का पूरा व्यू बताया हूँ, बाहर का इनका हेडलाइन बता देता हूँ, स्पिनर साइकिल फिटनेस टॉयज, बहुत सारी यूनिक वेराइटीज़ है गाइस, आप लोग आओ विजिट करो। ये पूरा इनका शोरूम का है, पूरा लोगो लगा हुआ है, पूरा फोटोज़ वगैरह, आप लोग आओ विजिट करो। मिलता हूँ आप लोग सभी लोग से नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, अल्लाह हाफिज़।